नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिसोदिया और आप देख रहे हैं स्पोर्टलाइट खबरें मेरे साथ। सर, आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरियां रहें? रहे क्यों नहीं रहे सरकारी नौकरी। सर, देश में जैसे निजीकरण किया जा रहा है सरकारी संस्थाओं का, क्या सोचते हैं? होना चाहिए? ये सब राजनीति का खेल है भाई साहब। सर, आपकी क्या राय है इस पे? सर, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्या चाहते हैं आप? सरकारी नौकरी मिले, होना चाहिए ना। सरकारी नौकरी होना जरूरी है सर, क्योंकि प्राइवेट जॉब तो बंद हो जाती है। अब क्या कर सकते हैं, जैसे कंपनी आए, अब थोड़े दिन चलेगी उसके बाद बंद हो जाएंगी, इसलिए सरकारी जॉब होना अनिवार्य। सर, आप क्या मानते हैं? जरूरी है आजकल सरकार जॉब। जी सर, सरकारी जॉब को आप सिक्योर मानते हैं या? सिक्योर मानते हैं सर, होनी चाहिए। ठीक है सर, आपको क्या लगता है? सर, प्राइवेट नौकरी पर रोक लगानी चाहिए, सरकारी नौकरी में अधिकतर वो करना चाहिए। ऐसा क्यों मानते हैं आप? सर, सरकारी नौकरी होना जरूरी, क्योंकि उसमें सब लाभ मिलते हैं, प्राइवेट नौकरी में कुछ भी नहीं मिलता है। जी सर, आप क्या मानते हैं? सरकारी नौकरी होना चाहिए और क्या। अच्छा, काय की तैयारी कर रहे हैं आप? हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि यूपी में सर 25,000 होमगार्ड को हटा दिया गया, और कभी आप आर्मी की तैयारी कर रहे ना, आपको भी हटा दिया, फिर क्या होगा? सर, फिर तो विरोध करना है इसका, क्योंकि जो निजीकरण हो रहा है ये बहुत ही मतलब खतरनाक घटना है। और जो ये अपना रिटायरमेंट की जो उम्र है 62 से घटा के इसको 45 की जाए, इससे कि युवाओं को अवसर मिल सके। मतलब ठीक, आप क्या मानते हैं सर निजीकरण को? सिक्योर मानते हैं। निजीकरण होना चाहिए? नहीं होना चाहिए निजीकरण। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये देश के लिए खिलवाड़ है, युवाओं के लिए? बिल्कुल है। क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी निकलना चाहिए। निकलना चाहिए, ठीक है। आप क्या मानते हैं सर? ये कि सरकारी नौकरियां अधिक होनी चाहिए और उनको मतलब प्राइवेट नहीं करना चाहिए। सर, प्राइवेट नौकरियों में क्या लगता है कि महिलाएं सुरक्षित रहती? नहीं नहीं, नहीं रह सकती। अच्छा, क्या नाम सर आपका? जी, रवि बंजा। सर, आप क्या चाहते हैं? सरकारी सरकारी नौकरी होनी चाहिए। होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं सर? सरकारी नौकरियां संस्थाएं होना चाहिए? जी सर, सरकारी नौकरियां होनी चाहिए। प्राइवेट में शोषण ज्यादा होता है, युवाओं का मौका कम मिलता है। युवाओं सरकारी नौकरियों का निजीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे शोषण होता है युवाओं का। अच्छा, प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट नौकरी में शोषण हो रहा है। प्राइवेट नौकरियों में इतनी सैलरी नहीं मिल पाती और घर का खर्चा नहीं चला पाते हम इतना, इसलिए जो सरकारी नौकरी होना वो जरूरी है। आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए? हाँ बिल्कुल। लेकिन आपको मालूम है कि देश में सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है और सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं पहले तो ये आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरकारी नौकरियों का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि युवा जो मेहनत कर रहे हैं उनका मेन एम ये है कि हम कहीं से कहीं तरीके से सेफ हो जाएं, मतलब हमारी जो लाइफ है आगे की, हमारा भविष्य वो किसी तरह से सिक्योर हो जाए, इसलिए वो ग्राउंड पर रेगुलर होते हैं। कोई आर्मी के लिए भर्ती कर रहा है, कोई सेंट्रल की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई मध्य प्रदेश शासन के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। दबाव है बच्चों पे, जिसकी वजह से वो सुसाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। सल्फास की गोलियां मैंने खाते हुए देखा है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा है कि मेहनत करते हैं और बाद में जाकर वो फिर हेजिटेशन हो जाते हैं और थोड़ा घबराहट सी पैदा होती है, जिसकी वजह से आत्महत्या का स्तर बढ़ता जा रहा है दिनों दिन। सरकारी जो नौकरियां हैं वो प्राइवेट निजीकरण की तरफ जा रही हैं और धीरे धीरे इसको देखता जा रहा है कि जितनी भी हमारी सरकारी जॉब है वो खत्म हो जाएंगी। इस प्रकार से सरकारी जॉब रहेगी नहीं तो लोग सब भी प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। तो प्राइवेट नौकरियां तो कोई सिक्योर नहीं होती है, क्योंकि आजकल का हर युवा यही चाहता है कि उसके घर में सरकारी नौकरी हो। हर पिता यही चाहता है कि उसका पिता लड़का जो है सरकारी नौकरी में हो। तो जिस प्रकार से ये निजीकरण किया जा रहा है, निजीकरण बंद होना चाहिए। और इस पे कहना चाहूंगा मैं कि सरकारी नौकरियां बिल्कुल भी बंद नहीं होने चाहिए और सरकार को नई नौकरियों लाने के लिए विकल्प का प्रयोग करना चाहिए और ना कि नौकरी बंद करना चाहिए। जो फायदे के संस्थान है उनका यदि निजीकरण किया जा रहा है तो वो गलत है, लेकिन जो घाटे में चल रहे संस्थान उनका निजीकरण कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि जो लोग, जो कर्मचारी अपने संस्था के नहीं हो रहे हैं, अपनी संस्था को फायदे में नहीं ला पा रहे हैं, तो उन लोगों को अनावश्यक झेलने से, देश को उन संस्थाओं का बोझ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। क्योंकि आज देश जहाँ आजाद हुआ था 1947 में, उसी मुहाने पर आकर वापस से खड़ा हो गया। मतलब तुम देश को प्राइवेट हाथों में बेच कर झोला उठा के चलने की बात कर रहे हो, तुम्हारे तो बीवी बच्चे परिवार तो है नहीं, और तुम्हारे मुंह से कह चुके हो कि हम झोला उठा के चल देंगे,
तो ये बहुत गलत हो रहा है। देश की जनता सड़कों पर आने वाली है, रेलवे के कर्मचारी सड़कों पर घूम रहे हैं, BSNL कर्मचारी सड़कों पर घूम रहे हैं, बैंक के कर्मचारी सड़कों पर घूम रहे हैं, सारी बैंकें बंद हो चुकी है। पंजाब में अभी आप देख रहे हैं जो PMC बैंक का जो घोटाला हुआ है, जो लोगों का पैसा जमा है वही पैसा उनको नहीं मिल पा रहा इलाज के लिए, जो खुद की मेहनत गाड़ी कमाई का पैसा था। पहले लोग बैंक में पैसा जमा करने जाते थे खुद का, तो पूछते थे कितने दिनों में डबल हो जाएगा। अब बैंक में पूछने जाते हैं लोग कि हमारा पैसा खा तो नहीं जाओगे। स्थिति आज इस मौके पे आ गई है और गलत, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है।